देसी एंड सिंपल रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे काला चिकन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। काला चिकन बनाने के लिए हम दो प्याज लेंगे कटे हुए। गरम तेल में प्याज डाल देंगे। प्याज फ्राई होने के बाद टमाटर डालेंगे दो। टमाटर को भी अच्छी तरह से गलने देंगे थोड़ा सा। टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा नमक डाल देंगे। जल्दी फ्राई हो जाते हैं टमाटर नमक डालने से। आधा चम्मच हल्दी भी डाल देंगे। और 700 ग्राम चिकन भी है साफ धोकर, ये भी अभी तेल में डाल देंगे। मिक्स करेंगे। दो तीन मिनट मीडियम आंच पे भूनने के बाद हम इसमें ढक्कन रख देंगे और ऊपर पानी डालेंगे। ये कुक होते रहेगा, थोड़े 5-10 मिनट के बाद हम खोल के देखेंगे। 2-4 मिनट बाद देखेंगे। मस्त पानी छोटा है, पानी डालने की जरूरत भी नहीं। इसे फिर से हम थोड़ा चलाएंगे। अच्छे से पकाना है हमें, पानी नहीं डालना। ये पानी सूखने के बाद हम गर्म पानी ही डाल देंगे। फिर से हम इसे ढक के रखेंगे। फिर 2-4 मिनट बाद देखेंगे, अगर पानी सूखा है तो यही पानी हम गर्म पानी इसमें डाल देंगे। मसाले के लिए हम सूखे मसाले लेंगे। धनिया 2 बड़े चम्मच लेंगे, छोटा चम्मच जीरा, 2 बड़ी इलायची मसाला इलायची, ये हरी इलायची 2 चक्री फूल लेंगे, काली मिर्च 7-8, लौंग 7-8, 2 दालचीनी के टुकड़े, थोड़ा सा मेथी दाना, थोड़ा 1 चम्मच खसखस, थोड़ा 1 चम्मच तिल, तेज पत्ता 1 लेंगे और एक सूखा खोबरा लेंगे। ये सब हमें भूनना है। थोड़ा सा अदरक लहसुन भी लेंगे और हरी मिर्च डालने वाले हैं। हरी मिर्च लेंगे अपने हिसाब से, जैसे हम तीखा खाते हैं। छोटे छोटे 2-4 प्याज लेने हैं हमें। ये हमें ना गैस पर ही भूनने हैं, इसलिए हमें भूनने के लिए फोर्क का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे थोड़ा सा ऊपर से मारेंगे, नहीं तो फिर ऐसी कोई चीज है आपके पास तो ऐसे डालिए। थोड़ा सा अभी प्याज हम ऐसे भूनेंगे। मिनट बाद अभी ये भून गए हैं। छोटे छोटे प्याज थे तो जल्दी भून जाते हैं, इसलिए छोटे छोटे प्याज लेने हैं, थोड़ा ऊपर से इसे मारना है। तो अब ये भून गए, हम गैस बंद कर देंगे। अब गरम तवे में हम मसाला डाल देंगे, खड़ा मसाला रोस्ट करना है, हल्का सा भूनना है, ज्यादा नहीं भूनना। ये जीरा, धनिया, खसखस और तिल भूनेंगे हम। अभी सब भून लेंगे, थोड़ा इसे उड़ना चाहिए। अभी थोड़ा उड़ रहा है तो ये भून चुका है, इसका मतलब भूनने के बाद ये थोड़ा इसे उड़ते हैं तिल, खसखस निकाल लेंगे। अब हरी मिर्च डाल देंगे। गरम तेल में फिर सूखा खोबरा डालेंगे, अच्छी तरह से भून लेंगे। फ्राई करना है हमें, खोबरा अच्छी तरह से भूनने के बाद थोड़ा साइड में करके हम ये भुने हुए प्याज डाल देंगे। भुना हुआ प्याज फिर से ऐसे फ्राई कर देंगे तेल में। फिर अदरक लहसुन को भी डाल देंगे,
फिर सारा जो हमने भुना हुआ मसाला वो भी डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले, भुने हुए मसाले, सारी चीजें डालकर अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हम एक मिनट बाद गैस बंद कर देंगे। ठंडा हो गया है मसाला, पीस लेंगे। ये प्याज से ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट आती है, एक बार आप करके देखिए और कमेंट में जरूर बताइएगा। थोड़ी सी धनिया पत्ती भी डाल देंगे, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, पहले भी थोड़ा डाला है अभी भी थोड़ा डालेंगे और बारीक पीस के लेंगे। अब मैंने बारीक मसाला पीस लिया है, अब इसमें डाल देंगे। फिर से इसे तेल डालने की जरूरत नहीं, उसी तेल में हमें सिर्फ अभी बॉईल करना है, पकाना है मसाले को बस। मिक्स करने के बाद हम थोड़ा ढक के रखेंगे 5-6 मिनट के लिए। अच्छी तरह से उबाल आने देंगे, फिर निकाल देंगे। 5-6 मिनट बाद देखेंगे मस्त, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। और ये हमारा चिकन, काला चिकन, तो ये बनके तैयार है। अब गैस बंद करेंगे। तो अब ये काला चिकन खाने के लिए तैयार है, काला चिकन रेडी। आज का ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।